नाइट वालों कैसे हो? आइए हम आपको दिखाते आज सिखाएंगे एक नई चीज आपको। नहीं, एट तक आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा, अभी आपने 1.1 1.2 के क्वेश्चन भी पढ़े, अब उसके बाद में आज मैं बताऊंगा थ्योरम प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना। थ्योरम बोलते हैं, थ्योरम क्या होता है? थ्योरम होता है जो भी नियम कानून हम जानते हैं ना उसको प्रूव करने के तरीका। जैसे मैंने कहा कि यहां से डोंबिवली की दूरी 2 किलोमीटर है, कितना? 2 किलोमीटर। अब सामने वाले चैलेंज कर दिया, ना ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कर दिखाओ। या इसने बोला था मुझे पता तो है 2 किलोमीटर है, लेकिन ये हम साबित कैसे करेंगे, इसे सिद्ध कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। अब या तो चलो मापन पट्टी लेके नापे, तो आप ऐसा करने सकते हैं, तो आपके पास एक तरीका होगा। तरीका क्या होगा? आप अपनी बाइक स्टार्ट कीजिए और उसको स्पीडोमीटर में जो किलोमीटर का निशान है नोट करवाइए कितना इस समय है। आप डोंबिवली जाएं, जब वहां पहुंच जाएं तब देखें स्पीडोमीटर कितने पर पहुंच चुका, कितना मीटर कितना दर्शा रहा है, उससे आप दूरी निकाल लेते हैं। इसका मतलब आपने डोंबिवली की दूरी आपके यहां से 2 किलोमीटर है, इसको आपने प्रूव करके दिखा दिया, साबित कर दिया। हाँ, होता है, अब तक साबित नहीं किया था, अब तक जिसने जो बताया था उसको आपने सुना था, उसको माना था, अभी आपने यहां पर प्रूव किया। वैसे ही हमारे ज्योमेट्री में जितने भी नियम होते हैं, जितने भी रूल्स हम अप्लाई करते हैं, उसको हम यूज भी करते हैं, अब वह साबित करेंगे। अब एक चीज आपको मैंने बताई है पहले भी, अगर ये रेखा है, मान लो ए बी, ये ए बी है, ये सी डी है, ये बीच में ओ है, यहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इन्हें जो आमने सामने का कोण है, कौन कौन? ए ओ डी, इसके सामने बी ओ सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण है, इसको हम बोलेंगे अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, माने ये कोण ये शीर्षाभिमुख है और ये शीर्षाभिमुख है। तो पिछले चैप्टर में 1.2.1 में आप लोग ये पढ़े थे कि शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां बराबर होती हैं, मतलब जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक। आज हमें ये साबित करना है, प्रमाणित करना है कि क्या ये सच में ऐसा होता है। अगर ये जोड़ियां बराबर हैं तो कैसे हैं, प्रूफ करो। चलो हम देखते हैं प्रूफ करके इसको, ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे। अभी हमारे पास ये एक, देखिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसका नाम हम रख देंगे, मनमानी नाम रखते हैं ए बी सी डी, और ये ऊपर प्रतिच्छेद का, तो 10 आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ए बी तथा, थोड़ा नीचे नहीं लिखू, दत्त, ए बी तथा सी डी रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बराबर है, लिख देना। साध्य हमारा क्या है? कोण एओडी, नंबर एक, कोण एओडी सर्वांशम कोण बीओसी। दूसरा हो सकता है कोण एओसी सर्वांशम कोण बीओडी। ये दो हमें बातें सिद्ध करनी है ना। चलो अब देखते हैं उपपत्ति प्रमाण। क्या प्रमाण भैया, दिखाओ। चलो दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये बताइए, ये वाला कोण कैसे कोण है? रेखीय युगल है ना, ये और ये रेखीय युगल है ना, ये और ये रेखीय युगल है ना, ये और ये रेखीय युगल है। ये रेखीय युगल कोलिनियर एंगल जो होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता ये होती है, दोनों जब मिला देते हैं ना तो 180 का एंगल बनाते हैं। रेखीय युगल कोणों की जोड़ियों का योगफल जो होता है 180 होता है। हम पहले लिखेंगे, अब कोई भी दो कोण ले लो, अब ऐसा नहीं जो मैं लूंगा वही आप भी लेंगे, लेना तो है, दो कोण लेने, अगल बगल वाले चाहे जो ले लो। कोण एओसी प्लस कोण ए, अब एओसी के बाद में बीओसी भी ले सकता हूं, एओडी भी ले सकता हूं, ओके।
आप उसी मत पूछना कि आपने ये क्यों लिया या क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकता हूँ। और जब मैं ये ले लूंगा तो आप ये पूछ सकते हैं इसी क्यों लिया, इसी क्यों नहीं लिया। कोई माने जब मैंने एक कोण ए ओ सी लिया उसके बगल में चाहे ये लूंगा चाहे ये लूंगा एक लूंगा। कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी ये बराबर होगा 180 अंश रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां, समीकरण नंबर एक है ना। माने ये कोण और ये कोण हमने दिखा दिया कि 180 है, इतना बात समझ आ गई ना, क्योंकि रेखीय युगल कोणों की जोड़ियां 180 होती हैं। अब एक काम करना आपको, अगली बार फिर ऐसे लेना, लेकिन ऐसा करना के बारे में इन दोनों में से कोई एक कोण लेना चाहे ये चाहे ये, और जो अगला कोण लेना दूसरा लेना। देखो कौन सा लो, मैं कौन सा लो, ए ओ कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस, अब ए ओ सी लिया हम फिर इसका रेखीय युगल लेंगे, इसका रेखीय युगल ये और ये है ना, ये तो ले चुके हो, ये ले लो कोण BOC बराबर 180 रेखीय युगल कोण, समीकरण नंबर दो। हुआ ना, हुआ ना। अच्छा आप देखिए यहां पर दो कोण ये दोनों मिलकर 180 हुए, यहां पर दो कोण दोनों मिलकर 180 हुए, मतलब ये दोनों इक्वल टू ये दोनों, इन दोनों का योगफल और इन दोनों का योगफल बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर एक और दो से हमें ये पता चला है कि को यहां लिखता हूं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी इक्वल टू कांगुरेंट कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। हुआ ना, हुआ ना एक और दो से है? तो जो एक कोण इसमें ऐसा है जो दोनों तरफ काट दे उसको, AOC कैंसिल हो गया, बचा क्या कोण AOD इक्वल टू कोण BOC। अगर जाकर साथ ही में देखो हम तो पहुंच गए, चिता मारा हो चुका ना, अब कुछ करना नहीं है। देखो AOD बराबर BOC सिद्ध हो गया। तो जब आप ऐसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करते करते आपको या तो यहां पहुंचेंगे या तो यहां पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो जो बाकी दूसरा है उसे आप मत प्रूव करो, लिखना क्या लिखना, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि कोण AOC कांगुरन BOD, इस प्रकार से आप अपोजिट एंगल थ्योरम शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय ये आपने प्रूव कर लिया ना। और आपने जब ये प्रूव कर लिया समझ लिया आपने लंका जीत ली, लंका जीतना जानते लंका जीतना आपने क्या बोलते हैं हम एक बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली ना आप, क्योंकि थ्योरम आठवीं में पढ़े नहीं थे, नाइन्थ माने बाद में फर्स्ट थ्योरम आपका ही है अपोजिट एंगल थ्योरम शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय, शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां समांतर होती हैं, ये हमें प्रूफ करना था और हमने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है ना। जो जो आपसे पूछ रहा होगा सिद्ध कर दिखाओ, बोलो भाई दिखा दिया जाकर देखो, तो आप मेरी समझ में आ गई होगी। अब पूरी उम्मीद है कि आप इसको करेंगे। ओके थैंक यू।